वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं अपने पहले एक्शन कैमरा की करता हूँ अनबॉक्सिंग, जिसको ऑर्डर किया था डिजाइन इन्फो से। तो ऐसी है कुछ डिजाइन इन्फो की पैकिंग। तो दोस्तों इसमें 20 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाएगा, 5K 30 फ्रेम और 4K 60 फ्रेम की शूटिंग कर सकते हैं। 33 फिट तक आप वाटरप्रूफ में इसे शूटिंग कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट है, 8x सोलो शूटिंग भी कर सकते हैं आप। इसमें 1080 पिक्सल की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और इसको आपको HDR सुपर फोटो व्यू ले सकते हैं इसमें। ये दिखा रहा है चार्जिंग और यहाँ रिकॉर्डिंग, कितने टाइमिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये हमारा शो कर रहा है बैटरी बैकअप और ये स्टोर कितनी देर तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंसर्ट होता है, अभी तो जहाँ बैटरी हमने डाली थी वहीं पे इंसर्ट होगा। बट ये बैटरी है, बैटरी को निकालते हैं और ये जो स्लॉट दिया है ये हमारा माइक्रो SD कार्ड, इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमारा ये निकल जाएगा। ये हमारा कार्ड है, कार्ड को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आप अंदर साइड में डालेंगे, फिर इसे इस तरह से। और पावर बटन, पावर बटन के जस्ट अपोजिट साइड है बैटरी, यहाँ बैटरी इंसर्ट होती है। और ऐसी है कुछ बैटरी इसकी, ये 1720 mAh की बैटरी है और लगभग 1 घंटे चलती है इसकी बैटरी। तो ये ऐसा कुछ हमारा GoPro। और इसके साथ दी हुई है हमारी कुछ एसेसरीज, ये डाटा केबल है जिससे GoPro को चार्ज किया जाता है। और ये है हमारा एसेसरीज केस और ये हमारे सैमसंग का माइक्रो कार्ड SD कार्ड। चलो देखते हैं SD कार्ड कहाँ पे हमारा इंसर्ट होता है। भी है, बैटरी को निकालते हैं और ये जो स्लॉट दिया है ये हमारा माइक्रो SD कार्ड, इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमारा ये निकल जाएगा। ये हमारा कार्ड है, कार्ड को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आप अंदर साइड में डालेंगे, फिर इसे इस तरह से। अब बैटरी इंसर्ट करेंगे ये, और अब ये रेडी हो जाएगा। ये पावर बटन है, अगर आपको सेटिंग वगैरह चेंज करनी है इसकी GoPro की तो यहाँ से पावर बटन से ऑन करिएगा। और अब ये देखिए, आप यहाँ से चेंज करेंगे मोड इसका, तो ये अभी ये आ रहा है पिक्चर मोड, मतलब फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ से। ये इस तरह से ये पावर ऑफ कर दिया हमने, बट ये है हमारा टाइम लैप्स, यहाँ से टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। ये है जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और जस्ट इसके अपोजिट में हमारा है ये फोटो क्लिक कर सकते हैं आप। और अगर आपको ना यहाँ से टाइम लैप्स में वीडियो शूट करना है तो यहाँ से ये जो सेटिंग दिखा रहा है ये सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको 180 की शूट करनी है, वाइड एंगल, वाइड की जगह ये नैरो एंगल लेना है, लीनियर या फिर नैरो, तो यहाँ से ले सकते हैं। वाइड एंगल मतलब ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा कैप्चर, ज़्यादा जगह को। और ये नॉर्मल रखते हैं अभी हम, और बैक जाते हैं यहाँ से, फिर बैक जाते हैं। अब जाते हैं हम इसके वीडियो शूट। अब यहाँ सेटिंग है 4K की वीडियो शूट कर रहा है 30 वाइड एंगल में। और है बैटरी को निकालते हैं और ये जो स्लॉट दिया है ये हमारा माइक्रो SD कार्ड, इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमारा ये निकल जाएगा। ये हमारा कार्ड है, कार्ड को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आप अंदर साइड में डालेंगे, फिर इसे इस तरह से। अब बैटरी इंसर्ट करेंगे ये, और अब ये रेडी हो जाएगा। ये पावर बटन है, अगर आपको सेटिंग वगैरह चेंज करनी है इसकी GoPro की तो यहाँ से पावर बटन से ऑन करिएगा। और अब ये देखिए, आप यहाँ से चेंज करेंगे मोड इसका, तो ये अभी ये आ रहा है पिक्चर मोड, मतलब फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ से। ये इस तरह से ये
पावर ऑफ कर दिया हमने, बट ये है हमारा टाइम लैप्स। यहाँ से टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, ये है जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जस्ट इसके अपोजिट में हमारा है ये फोटो, फोटो क्लिक कर सकते हैं आप। और अगर आपको ना यहाँ से टाइम लैप्स में वीडियो शूट करना है तो यहाँ से ये जो सेटिंग दिखा रहा है ये सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको 180 की शूट करनी है, वाइड एंगल, वाइड की जगह ये नैरो एंगल लेना है, लीनियर या फिर नैरो, तो यहाँ से ले सकते हैं। वाइड एंगल मतलब इसमें टाइम लैप्स में अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वाइड एंगल है, लीनियर है, और ये नैरो है, नैरो मतलब पास, ये लीनियर मतलब लगभग एडजस्टेबल मोड, और ये वाइड एंगल, वाइड एंगल मतलब ज़्यादा सी लोकेशन हमें शूट करेगा ये। तो अभी हम वाइड एंगल रहने दें। ये इसकी डाटा केबल जो चार्ज, बैटरी चार्ज करनी है तो इससे कर सकते हैं। इस पे गोप्रो हम फिट करके अपने हेलमेट में या फिर कहीं और इस तरह से फिट करके इसे अपने हेलमेट में फिक्स कर सकते हैं या अपने स्टैंड में, जिस तरह से भी शूट करना है तो ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। अभी अच्छा टाइम स्लैप में तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गोप्रो की फुटेज पर और एक नॉर्मल मोबाइल की फुटेज पर।